ऐसा भी है ये कलाकार के लिए देखिए ये मैं पहचान ही नहीं रहा
कि यही हमारे वो एसीपी डीसीपी है, ये तो हीरोइन जैसी आज दिख रही है। ये हमारे यंग कलाकार, और वहां इस फिल्म की शूटिंग हुई, उस गाने की शूटिंग हुई। जब ही कभी जब मैं उठता था और राजकुमार जी का फिल्म देखता था नील कमल, वही उस प्रांगण में आपके फिल्म के गाने की शूटिंग हुई। और ये थे आपसे में जो उपज था, जो था धरातल पर ला सकते हैं डायरेक्टर कैमरा मैन, तो हम लोग देखेंगे ये फिल्म को। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जितने हैं ना उसका चार गुना लोग तो कम से कम जरूर टिकट लेके पहले दिन जाएंगे। 26 अक्टूबर को रिलीज हो रही है फिल्म, यही उम्मीद है। मैं बहुत टाइम नहीं लेना चाहता, मैं दुबई टीवी से प्रोड्यूसर के क्यू में आ गया हूँ नहीं, लेकिन मुझे जीवन में जब 64 बसंत मैंने देखे हैं, होश में 50, तो मुझे जो कोई अच्छा काम करना चाहते हैं करना वाले होते हैं या हमसे उनका अगर संबंध है तो मैं चाहता हूँ उनको हेल्प करूँ, सहयोग करूँ, आगे बढ़े और अच्छा काम करें। तो फिल्म भी एक अच्छी चीज है जिसे देखने से हम काम करते करते हमारा एंटरटेनमेंट होता है। फिल्म एक एंटरटेनमेंट का ही बहुत अच्छा साधन है, इसमें लेसन भी है। इस फिल्म में जो हमने देखा है, हम पहले जो फिल्म देखते थे हम लोग जब हम यंग थे, तो पहले गाना में हमारा पैसा वसूल हो जाता था, ठीक है सर। पहला गाना जैसे होता था फिल्म का, नीलकमल देखा, बहुत सारी फिल्म देखी, आरजू देखी, आदमी देखी। And grace this occasion. I will not take the speech so long, and I'm sure everybody is waiting for the trailer for which you all have come. So might as well, Manoji, Shurugan. Oh, thank you and enjoy. हाँ तो हम लोग ट्रेलर लॉन्च करते हैं। मैं लेकिन चाहूंगा जरूर कि इस फिल्म के संबंध में नीरज बाबा जी तो मुझे सामने आने का मौका मिल रहा है। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, जो आप लोग वक्त निकाल कर यहाँ आए और हौसला अफजाई करने के लिए हमारे आए यहाँ पर, और आप लोग का ब्लेसिंग की ज़रूरत तो हमेशा रही है मुझे, हमें हमारी टीम को। तो मुझे इस बात की अंदाज़ा मैं अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ इस बात का कि आप लोग ज़रूर ब्लेसिंग तो दे ही रहे होंगे। बस आप लोग, मैं सोचता हूँ आप लोग ट्रेलर देखिए अच्छा से, और यहाँ पर सारे टीम मौजूद है, परिचय कराने की जरूरत नहीं है। अगर टीजर में भी बहुत लोग आए हुए थे आप लोग, तो उस समय भी आप लोग इंट्रोड्यूस हो ही चुके सब लोगों से, और इतने ही रंग बिरंगे चेहरे हैं इस फिल्म में मिलेंगे आपको। अब तय करना है कि कौन कहाँ जाता है और ये फिल्म किस रूप में जनता के सामने ऑडियंसिस पसंद करती है। बस दुआ कीजिए अच्छा चल जाए, हम लोग भी आगे बढ़ते रहें। एक कोशिश की हम लोगों ने, मनोज जी ने, हम दोनों ने मिलकर एक कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि चले दोनों आदमी और लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। श्वेता आई, कृष्णा जी आए, धर्म आए, सब लोग मिलजुल के हम लोगों ने, बस कोई प्रोड्यूसर यहाँ नहीं है, एक तगमा लगा हुआ है कि मैं प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर, सब प्रोड्यूसर हमारी फिल्म के, सब फिल्म की बेहतरी चाहते हैं, सब बेहतरी चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है। कई बार होता है फिल्म में, मैं भी एक एक्टर रहा हूँ, कि हमें अपने स्वार्थ से मतलब होता है कि धन मिलना चाहिए, लेकिन इस टीम के साथ मैं एक लाइन से बोलूंगा कि यहाँ स्वार्थ से कोई नहीं जुड़ा हुआ है। फिल्म अच्छी होनी चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा पैसा दिया नहीं किसी को। थैंक यू मनोज जी। बहुत ही उनके अलग अलग रूप हैं और एक कॉमन चीज है कि वो दोनों बहुत ही शार्प हैं। और विविता मेघा मलिक और मेरे लिए कहने लायक बचा कुछ नहीं है, क्योंकि एक सस्पेंस थ्रिलर है, मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। और जो भी किया है यही कि शब्द मेरे, धन्यवाद आप सब लोगों का, और आप सब लोगों की बेस्ट विशेष चाहिए पूरी टीम को, और अब थ्रिलर होगा। जाएंगे फिल्म में, इसी कहानी कभी समझ में नहीं आया।
आनी चाहिए ताकि ये क्यूरियोसिटी बनी रहे कि फिल्म में क्या होगा। और ट्रेलर के हिसाब से मुझे तो, जैसे मैं अगर ये ट्रेलर देख रही हूँ तो मैं फिल्म देखने जाऊँगी क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है ट्रेलर। बाकी जितना आपने इसे देखा है फिल्म को, जितना टीज़र लॉन्च है या जो भी आपने देखा है, उतना ही मैंने देखा है फिल्म, तो मुझे नहीं पता है फिल्म में क्या है और ना ही मेरे को इसकी कहानी पता है। लेकिन डेफिनेटली ये मेरे हस्बैंड की फिल्म है, उन्होंने प्रोड्यूस की है, पहली फिल्म है उनकी, तो मैं तो चाहूँगी कि ये फिल्म बहुत चले। और इसमें 3 प्रोड्यूसर्स और भी हैं और जो एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, तो देखिए। बाकी तो आपके हस्बैंड ही प्रोड्यूसर और फिल्म में आप कहीं नजर नहीं आए? मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ को कभी इकट्ठे काम नहीं करना चाहिए मेरी ऐसी पर्सनल थिंकिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा काम अलग अलग करना चाहिए। इसलिए हम लोग यही स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, जहाँ पे मैं काम करती हूँ वो काम नहीं कर रहे होते, और जहाँ वो काम कर रहे होते हैं मैं काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, हम डेफिनेटली एक दूसरे को सजेशंस देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि, मैं चाहती हूँ उनका काम चले, वो चाहते हैं मेरा अच्छा हो, तो इसलिए मैं इस फिल्म में रही हूँ और मेरे लिए रोल भी नहीं था। बोला था मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारे प्रोफेशन का संबंध है हम इंटरफियर नहीं करते एक दूसरे की लाइफ में, और हम सिर्फ अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं, जहाँ हमारी फैमिली आ जाती है, हम सिर्फ वहीं तक एक दूसरे की इंटरफियरेंस हमारी होती है। हम सजेस्ट करते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मानना नहीं मानना उनकी मर्ज़ी है या मेरी मर्ज़ी होती है, तो तभी मुझे लगता है लाइफ ठीक चलती है। हाँ, अगर हमारी फैमिली की कोई मैटर हो और फिर हम एक दूसरे को सजेस्ट करें, वो डिफरेंट बात है। इस फिल्म में मैंने कभी उनको कुछ नहीं कहा कि उनको ये करना है या नहीं करना है, वो कैपेबल हैं, इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, उनको पता है क्या अच्छा है क्या। यही कहूँगी कि अच्छी फिल्म है, इंटरेस्टिंग फिल्म है, और आप ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आएगा फिल्म देखने में। बस इतना ही कह सकती हूँ, और मेरी शुभकामनाएँ हैं फिल्म के साथ, और वो तो होनी। थैंक यू। देखिए, मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल रहा। पिछले 25 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ और काम करता रहा हूँ। मैं और नीरज भारद्वाज ने कोशिश की कि मतलब एक फिल्म बनाई जाए, ये नारी प्रधान है, जो आज की हकीकत कहानी है, जो बच्चों पे होती है। हमारी कहानी मोस्ट माया जो है एक बच्ची की कहानी, आज जो बच्चियों के साथ होता है और उसके बाद मतलब कि क्या क्या होते हैं, ये उसी तरह की कहानी है। देखिए, क्या है कि कुछ चीज़ें जो है ना, कोई कहानी ऐसी होती है कि जो बोल के नहीं कहे जाते, उसको अगर हम दिखाएं ना तो लगेगा कि हाँ जी, हम जो कहना चाहते हैं वो बता दें। तो हमारी कोशिश यही कि मैं मतलब कि ऐसी नहीं है कि देखने में भले लग रही होगी कि शायद ये साक्षी फिल्म हो चाहे, बट ऐसी कुछ नहीं है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह फिल्म ऐसी ही नहीं है। कुछ फिल्मों से नाम जोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं जोड़ूंगा, देखने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इसमें कोई शक नहीं है। आपको कॉमेडी लगेगी, आपको ये लगेगा, कुछ अलग लगेगा, लेकिन ट्रेलर कुछ और है, लेकिन फिल्म में लोगों को कुछ और नजर आएगा। हाँ, फिल्म में कुछ और नजर आएगा, जो कि एक बच्ची की कहानी है, एक छोटे शहर की राजस्थान की रहने वाली बच्ची है। जैसे आज आपने कठुआ में सुना होगा कि बच्चियों के साथ अत्याचार होते हैं और उसकी क्या मतलब उसका परिणाम होता है, फिर उनकी मनस्थिति किस तरह से होती है, तो वो बच्ची धीरे धीरे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है और क्या क्या मतलब उस पर। वैसे तो नारी प्रधान होती है और उसने दिखाया कि नारी सचमुच लोगों पर भारी है। देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि मैं कहाँ नहीं जाना चाहूँ। मैंने कोशिश की है कि एक साफ सुथरी एक अच्छी फिल्म बनाऊँ जिससे मैसेज मिले कि जो ये बच्चों के साथ करते हैं, लोगों के साथ करते हैं, वो अच्छा ना हो।
एक नारी के साथ अक्सर आप सुनते होते हैं यहाँ रेप हो गया, यहाँ रेप हो गया, और उसके बाद उसके एवज में क्या होता है, वो उस चीज़ को मैंने कोशिश की है कि दूर करूँ। अरे आपको फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कहने की कोशिश की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक काल्पनिक कहानी है, किसी पे नहीं। हाँ, बट जो आज की का ये चल रही है, जो आज का सिचुएशन है, उससे आधारित है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी पे सोच के नहीं किया कि मतलब ये है। मैंने सोचा कि ये हो रहा है समाज में, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसी की कोशिश की है कि ऐसा ना हो। बाकी देखें ऑडियंस क्या कहती है, ऑडियंस सब ऑडियंस के हाथ में। हमारी कोशिश है कि एक अच्छी फिल्म हो, लोग इसको अप्रिशिएट करें, बाकी देखें क्या। तो अच्छा है, ऑल द वेरी बेस्ट पूरी टीम के लिए। बड़ी मेहनत से फिल्म बनी है, मैंने भी एक छोटा सा किरदार निभाया इस फिल्म में। तो क्या किरदार निभाया? फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, बहुत छोटा सा किरदार है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। तो टीम बहुत अच्छी थी, विदिता ने बहुत अच्छा काम किया, विदिता के साथ ही मेरा था तो विदिता ने बहुत अच्छा काम किया। विदिता पे ही बेस फिल्म है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे ख्याल से इस फिल्म से विदिता को काफ़ी फायदा है। थैंक यू। यूनिफॉर्म पहन के मुझे ऐसा लगा एक बार, क्योंकि काश मैं शायद जिंदगी में पुलिस ऑफिसर ही बन जाती। बट बहुत ही खूबसूरत कहानी है, एक तरह से कहूँ तो महिला सशक्तिकरण की भी कहानी है, दो महिलाओं की, उनकी स्मार्टनेस, उनके शार्पनेस ऑफ माइंड, उनकी दुविधाएं, उनके कॉन्फ्लिक्ट, उनका दुख, सब कुछ मिला जुला कर इन दो महिलाओं के साथ जो कुछ भी होता है उनकी पर्सनल ज़िंदगी में भी, तो उसको लेकर कहानी रची गई है। और एक सिचुएशन थ्रिलर है, एक सिचुएशन ये भी है कि कैच मी इफ यू कैन, एक पुलिस महिला है, एक अगर कहे कि कल्प्रिट है या नहीं है अभी हमें मालूम नहीं है। सो आप लोग ज़रूर देखें और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मज़ा आए। तो किरदार, जब आप कोई आप किरदार निभाते हैं, लेकिन जब एक पुलिस का किरदार निभाना तो आपको काफ़ी वो होता है कि हमसे कोई गलती ना हो, तो इस किरदार को निभाने के लिए आपने किसी को फॉलो किया या फिर कोई चैलेंजिंग था आपके लिए? हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं कुछ महीने पहले इस फिल्म से भी, तब मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये फिल्म करनी है, मुझे इनवाइट किया गया था जहाँ पे महिला थाने जब ओपन हुए थे, तो एक महिला थाने पे मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ पे मैंने काफ़ी पुलिस, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ और कुछ ऐसे ही बातचीत ही ऐसी हुई कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या होता है। सो वो कहीं आपके जहन में रह जाती हैं ऐसी बातें। और दूसरा, जब हम शूट कर रहे थे, एक्चुअल शूट जो था वो थाने में ही हो रहा था इनफैक्ट, और उसकी अपनी खूबसूरती थी कि सेट हैड बिकम अ लर्निंग ग्राउंड फॉर मी। आई वॉज टॉकिंग टू द ऑफिसर्स देयर व्हाइल आई वॉज शूटिंग एंड इन बिटवीन द शॉट्स, एंड दैट ऑल्सो यू नो इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू अ लॉट। और बाकी तो आप यू नो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या कभी भी जहाँ भी इंटरेक्शन होता है वो आपके दिमाग में आप वो बातें रखते हैं। और फिर बाकी हमारे डायरेक्टर थे जो हमें, ही वॉज देयर टू गाइड अस, मनोज जी। और अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके और क्या है? हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट, ओके, आई एम वर्किंग ऑन वन मोर फिल्म और अभी मैं उसका नाम नहीं ले सकती, और ये है कि आशा करती हूँ कि अभी तो मोक्ष टू माया लोगों को पसंद आए, और भी अच्छे अच्छे किरदार खेलने का मौका मिले।